तो आज होने वाला धमाकेदार कॉम्पिटिशन। साइज ये देखिए, साइज कितना बड़ा है, थाली के बराबर है। इसने तो बता दिया मुर्गा बनेंगे, और इसने बता दी इसने क्या 25 तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, का वेट कर रहे हो आप? बुआ का वेट कर रही हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, रुद्रांश अपने पियानो के बारे में बता रहा है। रुद्रांश का पियानो में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गई है। तो अभी मैंने ना यहाँ पे बिस्तर भी साफ कर दिया है, और यहाँ पे मैं एक साइड और कैमरा घुमाती हूँ, तो ये बैठ गए हैं अपने काम पे, काम करने के लिए। नींद आ रही है काम? ये अपने काम पे बैठ गए, बस रक्षाबंधन मन गया है, अपने काम पे लग जाओ। तो क्या कर रहे हैं, शुरू हो गई दुकान? ये अपना काम करने के लिए बैठ गए हैं, और बाकी के मेंबर दिखाते हैं हम घर में क्या कर रहे हैं। अब भी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई है इस रूम में। ये देखिए, रात में मैंने ना वीडियो अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद सो गई थी। रूम की हालत कुछ इस तरीके से पड़ी हुई है, पूरे रूम में गंदा पड़ा हुआ है। अभी ये जॉकर है हमारा, अभी पूरा घर कुछ इस तरीके से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मैंने सुबह सुबह मशीन भी चालू कर दी है, तो मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और ये देखो यहाँ पे भी, इधर देखो इधर क्या हालत हो रखी है। और यहाँ पे सुबह सुबह काम चल रहा है मनीष का प्रेस होने का, तो मनीष प्रेस कर रहा है। और थोड़ा सा और कैमरा लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मनीष प्रेस कर रहा है। मनीष की ड्यूटी लगी है प्रेस करने की, और अभी हम भी अपने काम पे लग जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अपने काम पे लग जाते हैं। ये अपने काम पे लग गए, हम भी अपने काम पे लगेंगे, है ना। हमारे सेंटा क्लॉज की पढ़ाई हो रही है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? इधर दिखाओ जरा, आपने कितना ज्यादा आटा वेस्ट कर दिया ना। तो रुद्रांश की अभी क्लास खत्म करवाई है, जस्ट अभी उसकी क्लास खत्म हुई है, और उसके बाद मैंने अभी यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है। अभी बन रहे हैं यहाँ पे हमारे आलू पराठे, आलू भी रेडी हो गए हैं, मैश कर लिए हैं, आटा लगा लिया है। ये देखो रुद्रांश ने थोड़ा सा यहाँ से निकाल लिया है। तो अभी इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, तो धनिया मिर्ची डाल दिया है मैंने, हरी धनिया, हरी मिर्ची, और उसके बाद थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची डालूंगी, और ये है धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, जीरा पाउडर डालूंगी, तो नमक डाल देंगे, बस ये गया मैगी मसाला। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर बस पराठे बनाएंगे हम। आज हमारे बीच होने वाला है एक धमाकेदार कंपटीशन, जो होगा जीजा साले के बीच में। तो देखते हैं कौन कितने पराठे खाता है। हम बनाने वाले हैं, ये लोग खाने वाले हैं, मतलब ये देखो है। और पराठे का साइज दिखाती है, साइज बड़ा है। साइज ये देखिए, साइज कितना बड़ा है, थाली के बराबर है। कौन कितने पराठे खा पाता है, और जो हारेगा वो क्या करेगा? मुर्गा बनेगा आधा घंटा। ज्यादा हो गया। देखते हैं विनर कौन होता है, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि हारने पे लोगों को क्या करना है। एक ने तो बता दिया मुर्गा बनेंगे, और इसका बता दी इसने क्या करना। मुर्गा ज्यादा हो गया, तो और कुछ दे। पुशअप करेंगे पांच। पांच बस, कम से कम 25 तो होनी चाहिए। 25 नहीं, शाम का खाना बनाएगा वो अकेला पूरा। हाँ ठीक है, मेरी छुट्टी किचन से, मेरी छुट्टी हो जाएगी किचन से। साइज बहुत बड़ा लग रहा है मनीष को, तो देखते हैं कौन कितने पराठे खा पाता है। और अभी कुछ बाकी के सिख रहे हैं यहाँ पे, पहले मैं बना लेती हूँ, फिर इनके बीच कॉम्पिटिशन लगेंगे। दो पराठे इस थाली में रखे हुए हैं, दो पराठे इस थाली में, मतलब अभी एक एक्स्ट्रा एक रुद्रांश के लिए निकाल दूंगी मैं। ये लग गई है सबकी प्लेट, दो पराठे इसमें, दो पराठे इसमें, और बन पराठा रुद्रांश की प्लेट में। तो सबके पास दही है और पराठा है, तो अभी इन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं कौन कितने पराठे खा पाता है। रेडी रेडी रेडी, खाने लग गए। तो मैं जाती हूँ अपना बनाने के लिए। ये
ये देखो इन लोगों ने दो दो पराठे खा लिए हैं, दोनों ने दो दो पराठे खा लिए हैं। वो पच भी गए, कब से खाली बैठे हैं। अच्छा अभी मैं लेके आई हूँ तो ये एक एक पराठे और लेंगे। तो ये और बचा है लास्ट पराठा, इन्होंने खा लिए हैं। कितने पराठे खाए आपने? पांच बार। ये इनका पांचवा पराठा है और मनीष का, मनीष ने चार खा लिए हैं। ये जाएगा मनीष की प्लेट में, ये मनीष खाएगा। तो मतलब कितने बेकार हो, दोनों मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, दोनों बराबर खा रहे हो। ये मेरे में रख दिया। तो भाई कंपटीशन में मनीष हारा मानेंगे, क्योंकि मनीष के जिया जी ने ज्यादा पराठे खाए हैं, मनीष से ज्यादा। हाँ हाँ आधा ज्यादा खा लिया है और मनीष ने साढ़े चार खाए। तो भाई कंपटीशन हुआ फिनिश। यहाँ पे पानी पी रहे हैं, उनका बचा है लास्ट वाइट। और साढ़े चार मनीष ने खाए, साढ़े पाँच होंगे, पाँच हो गया अभी, साढ़े पाँच। इधर बीच वाली प्लेट से भी चला गया थोड़ा बहुत, वापस कर भी आ गया। तो पाँच इन्होंने खाए, साढ़े चार मनीष ने। बस बस डन डन, इसका देना। उसके भी फेवरेट है ना पराठे। टू पानी पिया आपने? खाना खाने टाइम पे, जब खाना खत्म हुआ तब। अच्छा तो इनका कंपटीशन तो हो गया, अब मैं खा लेती हूँ। तो ये है मेरे पराठे। तो मेरे खाना बनाना पड़ रहा है। तो मनीष अपनी शर्त के मुताबिक आज खाना बना रहा है, क्योंकि वो हार गया था, जैसे शर्त हार गया था। और जीतने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, सोफे पे टीवी देख रहे हैं, और हारने वाले खाना बना रहे हैं किचन में। और आज हम मौज कर रहे हैं। तो आज मनीष बना रहा है खाने में एग करी। तो मनीष बहुत अच्छी एग करी बनाता है, तो आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे क्या? हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है हमने तेल, सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया। यहाँ पे मनीष ने प्याज पीस के रखी हुई है, तो ये दो बड़ी प्याज हैं, दो प्याज पीस के रखी हुई हैं। यहाँ पे सारे खड़े मसाले हैं, ये जो खड़े मसाले पीस के रखे हुए हैं। और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया हुआ है, और ये है टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे ये दो टमाटर हैं, और ये है तेज पत्ता, तो ये तीन तेज पत्ता। और यहाँ पे ये है एग, तो एग बॉईल कर लिए हैं और इनको फ्राई कर लिया है तेल में। तो इन पे ना अच्छी सी कोटिंग आ गई है। तो अभी मनीष बनाना स्टार्ट कर रहा है। तेल गरम हो गया, उसके बाद उसने प्याज डाल दी है। तो यहाँ पे धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, ये सारे मसाले ले लिए हैं। और बस इन सबको ना हम पानी डाल के घोल बना लेंगे, जब तक यहाँ पे प्याज सिक रही है। इन लोगों ने किचन में तो बनाया तो बनाया, साथ के साथ मेरे किचन की भी हालत देखो कैसी कर रही है, सब्जी की हालत। यहाँ पे ना मसाला सीख गया है, मतलब मसाला सीख रहा है। इसमें टमाटर, प्याज और सारे मसाले डाल दिए हैं। और मसाला सीख जाने के बाद इसमें एग डाल देंगे। ये देखो इन्होंने इस जगह पीछे के बैकग्राउंड को क्या कर दिया है इन्होंने। अभी इसको कवर कर देते हैं, मसाला सीख जाएगा, फिर उसमें एग डालेंगे। ये देखिए एग करी हो गई है बन के तैयार, एकदम यमी यमी सी एग करी। क्यों मनीष, यमी यमी है? तो एग करी बन गई है। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, तो यहाँ पे रोटियाँ भी सिकते जा रही हैं और ये लोग खाएंगे अब, है ना। रुद्रांश हो गया है, रुद्रांश के पापा ये लेटे हुए हैं, मनीष ये लेटा हुआ है, मोबाइल चल रहा है मनीष का। ये लोग तो मस्त एग करी, दोपहर में लोगों ने आलू पराठे खा लिए थे, तो आलू पराठे खा के इन्होंने अपना खाना हजम कर लिया था, क्योंकि ये लोग सो गए थे, तीनों के तीनों सो गए थे हैं। और शाम को इन्होंने एग करी खा ली रात में, तो ये देखो ये फिर पड़ रहे, फिर लेट गए बिस्तर पे अपना खाना हजम करने के लिए। खाओ पियो, जिंदगी में यही बचा है, और सो जाओ। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में यही सीखा है, खाओ पियो और सो जाओ। मनीष की एग करी की अंडे की एग करी? अंडा करी का नाम से ही, अंडा करी के नाम से ही मनीष बनाया करेगा अंडा करी। इन दोनों ने एग खाए, मैंने ग्रेवी खाई है। तो मुश्किल आया वो बोला अंडा खा लेते हो, वो बोले अंडा सब्जी में डाल, सब्जी में डाल के खाते हैं। वो वाली बात, गुड़ खाएं गुलगुलन का परहेज करें। गुड़ तो खाते हैं लेकिन गुलगुलन नहीं खाएं, क्योंकि वो भी तो गुड़ के मुझे नहीं पता गुलगुलन क्या होता है। गुलगुलन नहीं जानते हम, गुलगुला गुड़ के बनते हैं, गुड़ के बनते हैं शादी में। गुड़ तो खाते हैं लोग, गुलगुला नहीं खाते, शादियों में बनाते हैं, शादियों में बनाते हैं। हमारे शादी वही है, रसगुल्ले नहीं, रसगुल्ले नहीं, गुड़ के बनते हैं, आटे और गुड़, आटे और गुड़ के बढ़िया तेल में, तेल में फ्राई करते हैं, मीठे मीठे। अच्छा वो खाने देते हैं,
पता नहीं बड़ा जैसे शादी में शादी की शादी में बढ़ते हमारी शादी में बहुत बढ़े मतलब मेरी शादी में बहुत बढ़े थे अपने बुंदेलखंड एरिया में वहाँ पे शादी जब स्टार्ट हुई अगले उसकी एक दिन बाद हमारे बुंदेलखंड में ना ये बहुत होता है ये जब शादी स्टार्ट ही होती है ना जब जैसे तेल वगैरह चढ़ता है ना तो उसी दिन से गुलगुला बटने लग जाते हैं हमारे यहाँ शादी में आते अरे भाई उसकी शादी में चलो गुलगुला तो ही बट रहे हैं खाता लोग भर भर के ले जाते हैं हमारे बच्चों को दे दो बड़ी दिलचस्पी रहती है वही हमारे साथ है की हम अंडा तो खा लेते हैं ओला लेकिन सब्जी में नहीं खाती मैं लोग बिस्तर उठ रहे हैं करने के लिए बाय बोल भी दो नींद इतनी आ रही है तो तो चलिए इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं और आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना कंपटीशन रखा था आज जीजा साले ने अगर इन दोनों को कंपटीशन आप लोगों को पसंद आया हो इनका तो मुझे ऐसा लग रहा पेट खराब हो गया है क्योंकि दो बार जा चुके हैं जीत रहे के ये इन्होंने काम चोरी इन्होंने काम चोरी नहीं पता है इनको लग रहा था मुझे खाना ना बनाना पड़ा किचन में इसीलिए ज्यादा खा लिए दो तीन बार जा चुके हैं इनका तो पेट खराब जरूर बताना कैसा लगा आज का कॉम्पिटिशन बोल ही रहा था मैं इसको एक और खा ले वो खाया ही नहीं मैं क्या करूँ मेरा तो हो गया उसको नहीं भागना था बार बार बाथरूम में और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ और अगर कोई नेक्स्ट चैलेंज चाहते हो देखना तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग नेक्स्ट चैलेंज देखना चाहते हो जिस भी चीज का तो कमेंट सेक्शन में बताना ये दोनों नेक्स्ट चैलेंज करने के लिए भी बैठे हुए हैं नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार है दोनों ठीक है ओके ओके बाय बाय गुड नाइट आप लोग सो जाइए हम भी सोते हैं आप सो ही जाते हैं।